वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में घूमेंगे, कलकत्ता जी घूमेंगे, इंडिया गेट घूमेंगे। घूमने के बाद आपको पूरा दिल्ली घुमाएंगे, जितना हो सके हमसे उतना घुमाएंगे आपको। और आज ही हमें यहाँ से निकलना है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। चलिए चलते हैं मंदिर और घुमाएंगे आप सभी को, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि आज हम घूमेंगे रात तक, रात 8 बजे तक हम यही दिल्ली पे हैं। दिल्ली में घूमेंगे, रात 8 बजे के बाद हम चल रहे हैं अपने शहर शक्ति फार्म सितारगंज। दोस्तों, आप सभी को दर्शन करवाना चाहते थे, पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा लाइन संभव नहीं है, तो इस मैटर को करते हैं क्लोज़, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। देखो कितना लंबा लाइन है, ये कहाँ पर संभव होगा बताओ, इतना लंबा लाइन हमसे तो नहीं होगा। दो दिन लग जाएगा। और हमें तो रात 8 बजे हमें निकलना है यहाँ से, तो नहीं हो पाएगा। तो माफ़ी चाहूँगा इस बात से कि आपको दर्शन नहीं करवा पाया। हे गाइस, तो हम जो है कलका जी तो नहीं जा पाए, क्योंकि बहुत लंबा लाइन था, तो इतना संघर्ष करके हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें घर भी जाना है। तो अभी आए लोटस टेम्पल, तो थोड़ा सा दूर से एक झलक देख लीजिए, नज़दीक जाके और भी दिखाऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं नज़दीक, बहुत ही अच्छा जगह है, निशुल्क सेवा है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा सा गार्डन वार्डन घूमेंगे, आसपास का नज़ारा देखेंगे कैसा है। दोस्तों, लोटस टेम्पल आके मुझे बहुत अच्छा लगा, आसपास का बहुत अच्छा सुंदर खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ की खूबसूरत नज़ारा समझ सकते हो ना, तो वो वाला भी नज़ारा बहुत अच्छा है। और हमारे पीछे तितलिया, ओहो ऑसम, पूरा आसपास में ग्रीन एकदम। तो दिल्ली में इतना खूबसूरत जगह सोच भी नहीं सकता था मैं। मैं पहली बार आया हूँ दिल्ली में, आसपास में अच्छा सा नज़ारा है, देखिए बहुत अच्छा लगा। तपन भाई भी पहली बार आया शायद। हाँ, पहली बार हो ना। तो अभी देखेंगे, अंदर जाएंगे क्या है अंदर। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे रात में आते ना, तो और भी अच्छा नज़ारा होता, कि रात में यहाँ पे लाइट वाइट लगा होता है, और इस पर ये जो लोटस टेंपल बना हुआ है, टेंपल इस पर जो है फोकस पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, इस लाइट से इसके ऊपर फोकस ज़्यादा जाता है, और पूरे गार्डन में जो है लाइट लगाया जाता है, बहुत अच्छा दिखता है। रात का नज़ारा भी कुछ अलग होता है, कुछ अलग। यदि आप लोग आना चाहते हो तो संडे को मत आना, संडे को यहाँ पे मार्केट सब बंद रहता है। हाँ, संडे को यहाँ पे एक मार्केट लगता है, वो मार्केट बंद रहता है, नेहरू मार्केट बंद होता है संडे को। तो अंदर का नज़ारा ये है, बस खाली कुर्सियाँ लगा हुआ है। हर तरफ से देखे तो कुछ नहीं है, खाली कुर्सियाँ लगा हुआ है बस। तो दोस्तों, यहाँ पे आके जो है लोटस टेंपल के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला। दोस्तों, ये लोटस टेंपल जो है एकता में अनेकता का प्रतीक है। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं बाहर, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इंडिया गेट को। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट को। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं इंडिया गेट में। हम जो है लोटस पहले टेंपल में गए थे, तो वहाँ पे
जो है कोविड गाइडलाइन के तहत वहाँ पे हम जो है किसी चीज़ को ना छू पाए, ना कहीं पर घास पे, ना कहीं पे कुछ बैठ पाए, सिर्फ दूर से देखा। तो फिलहाल टाइम में आप दिल्ली में आ रहे हो तो बस वेस्ट ऑफ मनी होगा। अभी फिलहाल कोविड गाइडलाइन के चलते आपको किसी चीज़ को छूने नहीं देंगे, और इंडिया गेट में तो आपको दूर से भी देखने नहीं देंगे इंडिया गेट में अभी फिलहाल, कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे आप सभी को दिखाने का। तो अगर आने का सोच रहे हो दिल्ली घूमने तो इस टाइम मत आइएगा, क्योंकि आपको घूमने का आनंद नहीं उठा पाओगे इस समय। दोस्तों दिल्ली में आ रहे हो चाहे कहीं भी जा रहे हो, कोविड लाइन्स गाइडलाइंस का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। तो आप मास्क जरूर लेना, हाँ मास्क जरूर ले लेना, बिना मास्क के आप कहीं पे मत जाइएगा, मेरा पर्सनली सजेशन है आपको। तो आप वैसे कहीं पे घुस नहीं पाओगे बिना मास्क के दिल्ली में, तो जहाँ भी जाओगे मास्क अति अनिवार्य है। तो अभी हम इंडिया गेट में पहुँच चुके हैं और आपको नज़दीक से दिखाने का बेड़ा उठा रखा है, तो आप सभी को भी नज़दीक से दिखाएंगे इंडिया गेट को। तो चलिए चलते हैं इंडिया गेट देखने नज़दीक से। हमें बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा यहाँ पे इंडिया गेट, ठीक है, क्योंकि शायद हमें ऐसा लगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है अभी राजस्थान से आए हैं और वहाँ पे पत्थरों का गढ़ माना जाता है, दुनिया भर का अटरम शटरम पत्थर है। देखकर वहाँ के बाथरूम भी अच्छे अच्छे पत्थर से बनाया गया है, तो जो है इसीलिए शायद हमें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर नज़दीक से देखते तो कुछ बात अलग होता। तो हम नज़दीक नहीं है तो अभी हम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो अभी हम आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है देखने लगा। लेकिन इसके मुकाबले मुझे कलका जी बहुत अच्छा लगा, इंडिया गेट के मुकाबले कलका जी बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, और हर पेड़ पौधे में फल लगाया गया है, और सिक्योरिटी भी बहुत तेज़ तरार सिक्योरिटी लगाया गया है। कहीं से दूर से भी अगर किसी चीज़ को टच कर लोगे तो दूर से कोई सिक्योरिटी वाला आपको जो है डांट देगा। दोस्तों अभी आप सभी को मैं हमारे भारत देश के जो जितने भी जवान थे शहीद हो गए थे उनका जो है नेम प्लेट दिखाएंगे आप सभी को, देखकर आपका खून खौल जाएगा। दोस्तों ये देखिए हमारे देश के वीर सपूत, आपको यहाँ पे आके आपके अंदर एक द्वेष जो है जाग जाएगा, कितने हजारों सैनिकों का नाम लिखा हुआ है, उनका बैज नंबर पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, आपको नहीं दिखा पाऊंगा, आप थोड़ा दूर से देख लीजिए। ये सारे देखिए नेम प्लेट है सबका, कितने सैनिक हमारे मारे गए, ये जितने भी आप देख रहे हैं सीढ़ीदार, ये तो सिर्फ पहला सिरा दिखा रहा हूँ आपको, उसके पीछे भी देखिए, वो देखिए सारे हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनका जो है नाम है यहाँ पे, हजारों सैनिक हमारे शहीद हो चुके हैं उन सबका नाम है यहाँ पे, हमारे तीनों सेना का ध्वज सलूट है तुझे माँ। अब दूर से दिखा तो कितने सारे सैनिक मारे गए, चारों तरफ ऐसे लिखा नेम प्लेट्स हैं, शहीदों का नेम प्लेट्स। तो दोस्तों मैं थक चुका हूँ, अभी हम जा रहे हैं घर, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, तो अभी हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, टाटा बाय बाय लव यू।